मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर अगेन फ्रॉम सीओ एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का न्यू टॉपिक, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 तक किया था, जिसमें हम लोगों ने nth टर्म ढूंढा था, राइट, कि थर्ड टर्म क्या होगा, इफ फिफ्थ टर्म इज दिस देन फाइंड सेवंथ टर्म, ये सारे टर्म्स ढूंढे थे हमने, बराबर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम, अगर इसका इतने टर्म्स का समेशन करें तो उसका क्या वैल्यू आएगा ऑफ एन ए बी, राइट। तो इस समेशन में आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एस इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फिर से बता रहा हूँ, एस इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये जब आपको इनफाइनाइट टर्म दिया है, जब आपको पता नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है, राइट। और अगर आपको पता है कि लास्ट टर्म क्या है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म। तो एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, राइट। सिंपल फॉर्मूला है, खाली आपको याद रखना है। और ये जो s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल की जगह पे अगर आप पुराना फॉर्मूला यूज करते तो अभी आंसर आएगा, कि अगर लास्ट टर्म दिया है तो आपको इजी मेथड हो जाएगा, ये डालना है, फर्स्ट टर्म डालना है, लास्ट टर्म डालना है और n से n को 2 से डिवाइड कर देने का, एंड यू विल गेट दैट आंसर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs, राइट। अगर ये देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 7 12 और 2 10 टर्म्स तक दिया है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 2, d is equal to 7 minus 2 is equal to that is 5. तो हम find करेंगे Sn is equal to, formula लिख देते हैं, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d, right? ये formula लिख देते हैं, तो this will give s 10, हमको 10 times तक ढूंढना है, 10 upon 2 2 into 2 plus 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 और d क्या हो जाएगा 5। ओके, चलो ये हो जाएगा s 10 इज इक्वल टू 5 2 टू द 4 4 प्लस 45 दैट इज 549 दैट इज 59 इज द 45 4 5 4 द 20 24 दिस इज आवर आंसर 245। वैसे ही अगर हम लोग सेकंड नंबर का देखें तो ये इज इक्वल टू माइनस 37, डी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 33 माइनस माइनस 37, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 33 प्लस 37, तो ये हो जाएगा प्लस 4, राइट। तो अभी देखिए एस 12 ढूंढना है, तो एस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो क्या हो जाएगा 11d, राइट। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो एस 12 इज इक्वल टू 6 टू ए, ए कितना है माइनस 37 और प्लस 11d कितना है 4। ओके, चलो अभी ये क्या हो जाएगा 6 दैट इज 237 मतलब 74 माइनस 74 प्लस 44 दैट इज 6 माइनस 0 ये 3 दैट इज माइनस 30 और ये मिलेगा 6 3 द 18 दैट इज माइनस 18, राइट। तो पहले दो क्वेश्चन के ये आंसर है, देख लीजिए आराम से करना, और हो सके तो जो मैंने s 12 लिखा ना उसकी जगह पे पहले ये फॉर्मूला लिखो sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला प्रैक्टिस रखो सो देट आपको फॉर्मूला का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स डू थर्ड एंड फोर्थ 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स। पहले वापस a इज इक्वल टू लिख लो 0.6, d इज इक्वल टू क्या आएगा 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1 तो आएगा और 1.1, राइट। नाउ s पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। ओके, चलो नाउ एस 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 2
0.6 प्लस 100 का 1 क्या हो जाएगा 99 इनटू 1.1 ओके दैट इज 50 क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 11 का 1 दैट इज 10 का 1 और ये 110.1 अब ये हो जाएगा 50 इंटू 110 1.10 0 कट हो जाएगा दैट इज ये आपका आंसर राइट दिस इज योर आंसर नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ सम नाउ हियर ए इज इक्वल टू 1/15 डी इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15 दैट इज इसका एलसीएम ले लो ओके तो इसका एलसीएम आएगा 60 और ये 12 5 से 60 का ऊपर 5 आएगा 15 4 से 60 का ऊपर 4 आएगा राइट दैट इज 5 में तो 1/60 ओके नाउ अब ये जो है हमको यूज करना है 11 टर्म्स के लिए तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी राइट दैट इज 11/2 टू ए क्या हो जाएगा 1/15 प्लस ये हो जाएगा 10 और डी हो जाएगा 1/16 राइट ये 10 क्यों हो जाएगा 11 में से 1 क्या तो ये 0 का 1 0 कट हो जाएगा दैट इज 2/15 प्लस 1/6 राइट इसका अगर एलसीएम देखे तो 11/2 ये एलसीएम इसका क्या आएगा 30 आएगा तो 15 टू जा 30 मतलब ये 4 होगा और ये 5 तो अपॉन 30 ये इसका एलसीएम आएगा दैट इज 11/2 9/30 बराबर अब यहाँ पे आप देखें तो 3 3 9 और 3 10 30 दैट इज 33/20 ये हमारा आंसर है राइट 33/20 इज अवर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम्स गिवन बिलो यहाँ पे 7 दिया है 10.5 दिया है 14 दिया है 84 दिया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म दिया है डी फाइंड कर सकते हैं लेकिन अगर हम एन बोले तो एस एन इज इक्वल टू तो एन जो है वो नहीं पता है राइट इन्होंने सम्स पूछा है इन्होंने ये नहीं पूछा कि एंथ कौन सा टर्म है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एन फाइन करना है तो एन फाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा ए इज इक्वल टू 7 लिखो डी इज इक्वल टू 10/2 -7 दैट इज 21/2 -7 दैट आपको कितना मिलेगा 7/2 राइट अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी राइट ए एन हमको मिल रह दिया हुआ है 84 ए दिया हुआ है 7 एन माइनस 1 तो हमें ढूंढना है दैट इज 7/2 डी राइट तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2 अब क्या हो जाएगा से दैट इज 77 राइट 77 यहाँ पे 7 नीचे आएगा 2 ऊपर चलाएगा अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7/2 का तो दैट इज 7 11 सा तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22 11 2 22 एन इज इक्वल टू 22 प्लस 1 एन इज इक्वल टू 23 राइट तो एन इज द लास्ट टर्म इज द 23rd टर्म अंडरस्टूड तो टोटल टर्म्स कितने हैं देर आर 23 टर्म्स तो यहाँ लिख दीजिए देर आर 23 टर्म्स एन बाय 2 ए प्लस एन ये वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं एस एन क्या है 23 है 23/2 ए क्या है 7 है एल क्या है 84 है तो 23/2 84 प्लस 7 क्या हो जाएगा ओके लेट्स चेक राइट ये आपका आंसर
पे देखिए ये इज इक्वल टू 34 हुआ, डी इज इक्वल टू 32 माइनस 34 क्या, राइट। अब यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, 10 ये हो जाएगा 34 एन माइनस 1, डी क्या हो जाएगा इट इज माइनस 2। ओके चलो, इट इज 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 34 दैट इज 24, एन माइनस 1 वही रहेगा और माइनस 2 को नीचे उतार लीजिए, राइट। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 12 24, दैट इज एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 12, तो एन इज इक्वल टू 30। ये आ गया पर एक, अब यहाँ पे हमें एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। यहाँ पे हमारे पास अगर लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला ही ट्राई करेंगे, ए प्लस एन। नाउ एन बाई 2 तो 13 हो गया, 13 अपॉन 2, अरे ए क्या हो जाएगा 34 और एल क्या हो जाएगा 10, राइट। दिस विल गिव 13 अपॉन 2 इंटू 44। चलो यहाँ लिख देते हैं, एस 13 इज इक्वल टू 13 का 13 अपॉन 2 44, दैट इज 222, दैट इज 13 टू जा 26, 13 टू जा 28, आई होप यू गॉट इट। ओके चलो, नाउ थर्ड सम, ए इज इक्वल टू माइनस 5, डी इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 5, सॉरी माइनस 8 माइनस माइनस 5, दैट इज माइनस 8 प्लस 5, दैट इज यू विल गेट माइनस 3, राइट। डी ए बोल गया, अब हमको एन ढूंढना है पहले, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी फॉर्मूला लिख दो। अब ए एन तो हमको पता है कि माइनस 230 दिया है, तो ए हमको पता है माइनस 5 दिया है, एन हमको ढूंढना है और डी है हमको अभी मिला माइनस 3। चलो माइनस 230 प्लस 5 दैट इज एन माइनस 1 माइनस 3, ये मिलेगा माइनस 225 अपॉन माइनस 3 दैट इज एन माइनस 1। ये अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 दा और ये 1 मतलब 3 5 दा, राइट। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 76 टर्म्स, बराबर। ओके नाउ नाउ अब हमको क्या ढूंढना है, एस एन ढूंढना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास एस 76 है, तो एस 76 इज इक्वल टू 76 अपॉन 2, ए क्या आएगा माइनस 5, एल क्या आएगा माइनस 230, राइट। दैट इज 76 अपॉन 2 इंटू माइनस 235, इसको अगर कट करेंगे तो 38, तो 38 इंटू माइनस 235 और माइनस है तो माइनस आएगा, राइट। तो माइनस 8930। ओके तीन सम हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ गिवन एपी ए इज इक्वल टू 5 दिया है, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, देन फाइंड एन एंड एस एन, राइट। नाउ सब कुछ दिया हुआ है तो आपको पहले एन फाइंड करने क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। ये ए एन दिया हुआ है दैट इज 50, ए दिया हुआ है 5, एन माइनस 1 हमको ढूंढना है तो ये बन जाएगा 3, दैट इज 50 माइनस 5 एन माइनस 1 3, दैट इज 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 15, बराबर। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ओके तो ये पहला आंसर मिल गया, अब हमको क्या करना है, एस एन ढूंढना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। अब ये हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है एस 16 पे, इज 16
अपॉन टू, राइट। टू ए मतलब 5 प्लस ये 15 हो जाएगा और डी है 3, ओके। चलिए अब ये हो जाएगा 8, दिस इज 10, दिस इज 45, ये हो जाएगा 8 इंटू 55, ये हो जाएगा 44, राइट। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह हमें एन और एस एन मिल गया, राइट। अब सेकंड नंबर के सम में ए इज इक्वल टू 7 दिया है, ये 13 इज इक्वल टू 35 दिया है। अब देखो ये जब दो देते हैं तो आपको क्या करना है, डी ढूंढना है, राइट। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, अगर मैंने इधर 13 लिख दिया तो आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं। तो ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये 13 अच्छी तरह लिख लो, राइट। ए 13 कितना दिया हुआ है, 35, ये कितना दिया हुआ, 7, दैट इज 12 डी आ जाएगा। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी, 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू डी। तो डी इज इक्वल टू ये है तो क्या करना पड़ेगा, 4 3 था 4 7 था, डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, राइट। अब हमको एस एन एस 13 ढूंढना है। एस 13 इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1, राइट। दैट इज एन कितना है, 13 अपॉन 2, 2a मतलब 2 का 7, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7/3, 3/4 जा लिख दो, राइट। तो ये हो जाएगा 3/4 जा, इस 13/2, 14 प्लस 28, राइट। तो ये हो जाएगा 13/2 इनटू 42, तो इसको 2 से कट करेंगे तो 21, दैट इज 13/1 13, 26/27, ये 27, ओके। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। थर्ड नंबर ए 12 इज इक्वल टू 37 दिया है, तो ए 12 इज इक्वल टू ए प्लस 11 डी, बराबर। आपको याद है फॉर्मूला, दैट इज 37 यहाँ डाल दिया, ये हमें ढूंढना है और 11 इंटू 3, राइट। दैट इज 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए, ये इज इक्वल टू मिल गया 4, राइट। अब जब ए ढूंढ लिया तो हमको क्या ढूंढना है, एस 12 ढूंढना है। नाउ एस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी क्या हो जाएगा, 11 डी हो जाएगा, राइट। तो एस 12 हमको ढूंढना है, 6 हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 3, राइट। दैट इज 6/8 33, दैट इज 6 इंटू क्या हो जाएगा, 41, दैट इज ये हो जाएगा 6/4 20, 246 इज योर आंसर, दैट इज एस 12, ओके। अब वैसा ही हमको यहाँ करना है, यहाँ पे ए 3 दिया है और एस 10 दिया है। ए 3 और एस 10 देने के लिए तो हमको पहले क्या करना है, ना ए मिला है ना डी, तो लेट अस स्टार्ट। ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, राइट। तो 15 अगर मैं इधर डालूं तो ए प्लस 2d, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वैसे ही अगर देखें तो एस 10, एस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, राइट। ये 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, 9d, ये रहते हैं। तो एस 10 S10 तो दिया हुआ है, तो 125 इक्वल टू 5 इज 2a प्लस 9d, अगर ये 5 नीचे जाता है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, राइट। इसको मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो दैट विल गिव 25 2a प्लस 9d, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, आई होप आप लोग को समझ पड़ा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस हमारा एलिमिनेशन मेथड में एक माइनस होना जरूरी है, तो दिस विल गिव माइनस 5 इज इक्वल टू 5d, देयरफॉर डी इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1, मिल गया। डी इज इक्वल टू ढूंढना था वो मिल गया, अब डी मिल गया तो आपको डी का वैल्यू रख के पुटिंग दिस वैल्यू इन, राइट। चलो दैट इज 15 इक्वल टू ए प्लस 2d, माइनस रख दिया, दैट इज 15 माइनस 2 इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 17, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 17, डी इज इक्वल टू माइनस 1, ए इज इक्वल टू 17। अब हम लोग को डायरेक्ट ए 10 में, राइट। नाउ ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d, राइट। ए का वैल्यू डालो, ए का वैल्यू है 17, 9 और ये है माइनस 1, दैट इज ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 हो जाएगा,
दैट इज 8. तो a का वैल्यू क्या आएगा 8. देयरफॉर तीसरा आंसर है 8. गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75 एंड फाइंड a एंड a9. राइट, तो s9 दिया हुआ है, तो s9 n by 2 2a plus n minus 1 d डाल देते हैं. अब s9 कितना दिया है 75, 9 upon 2 हो जाएगा, 2a हमको तो ढूंढना है और n मतलब 9 minus 1 और d दिया है 5, बराबर है, ये आराम से हो जाएगा 75 into 2 upon 9 is equal to 2a plus 9 minus 1 8, तो ये हो जाएगा 40, राइट. अब यहाँ देखिए इसको 3 था 9 3 25, राइट, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3, तो 50 अपॉन 3 माइनस 40 इक्वल टू 2a करो, ये हो जाएगा 50 माइनस 120 अपॉन 3 इक्वल टू 2a, दिस विल गिव माइनस 70 अपॉन 3 इनटू 2 दैट इज 8, दिस 2 70 मतलब 35 हो जाएगा, देयरफॉर ये इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3, राइट, ये हमने ढूंढ लिया. अब हमको क्या ढूंढना है, a9 ढूंढना है. नाउ a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, राइट, तो a9 इज इक्वल टू a कितना है माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8d कितना है 5, राइट, तो दिस विल गिव माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40, अपन इसका एलसीएम ले लीजिए, माइनस 35 प्लस 120 एलसीएम आएगा अपॉन 3, दैट इज ए नाइन इज इक्वल टू 120 मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 11 में से 3 मतलब 8 प्लस 85 अपॉन 3. नाउ गिवन ए इज इक्वल टू 2 दिया है, डी इज इक्वल टू 8 दिया है, एस एन इज इक्वल टू 90 दिया है, तो फाइंड एन एंड ए एन. चलो ए और डी दिया हुआ है, तो लेट्स अभी एस एन का भी वैल्यू दिया है तो उसका वैल्यू पुट करते हैं, एन बाई 2 क्योंकि एन ढूंढना है हमको, 2a मतलब 2 का 2 प्लस n माइनस और ये d कितना है 8, इसको 8 डाल दीजिए, आराम से करते जाइए, ये बन जाएगा 180. क्यों 180 बनेगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, n 4 प्लस n माइनस 1 8, बराबर. अब यहाँ पे हमको शांति से 180 इज इक्वल टू 4n इधर प्लस किया, फिर उसके बाद वापस 8n n माइनस 1, अब 4n और ये 8n स्क्वायर माइनस 8n आएगा, ओके, तो दिस विल बिकम 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ओके. अब 4n का हम लोग वो लेते हैं कॉमन, तो 4n 2 हो जाएगा, दिस इज n, 4 4 16 ये हो जाएगा, राइट. अब 245 का फैक्टराइजेशन करते, 245 का 90 और 10 9 का 90 हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, दैट इज माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ये दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से, राइट, यू विल गेट 2n n माइनस 5 प्लस 9 एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट, दैट इज 2n प्लस 9 एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब एक n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2 आएगा और n इज इक्वल टू 5, n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, राइट, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर, ओके. अब n इज इक्वल टू 5 है तो ए एन फाइंड कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, तो ये क्या हो जाएगा, ए 5 इज इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस 4 डी हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 8, तो 32 प्लस 34 ये आपका आंसर, ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a इज इक्वल टू 8, a n इज इक्वल टू 62, s n इज इक्वल टू 210. अब देखिए a n और s n दोनों दिया है, तो लेट अस राइट दिस, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. अभी अभी a दिया हुआ है वो लिख लेंगे पहले,
62 is equal to 8 plus n minus 1d. तो 62 minus 8 equal to n minus 1d. बराबर अब कितना आएगा? That is 4. 54 is equal to n minus 1d. अब सेम वे हम लोग Sn लिखते हैं. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. अब देखिए इसमें यहाँ पे आपको क्या काम आता है. 210 लिख दिया. n by 2 हमको यहाँ पे लिखना है, ढूंढना है, राइट. और 2a मतलब प्लस n माइनस 1d. अभी हमने क्या फाइंड किया? 54. ये लिख दो. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. ये यहाँ पे तो 210 इज इक्वल टू n by 2 इंटू 54, 60, 70, राइट. तो 235 था. अब वापस 35 को नीचे भेज दो. 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n. देखो 7 5 5 3 5 1 5 6. n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 6. अब हमको d ढूंढना है. चलो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 d, राइट. अब n इज इक्वल टू 6 तो आ गया है. तो 54 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5d, राइट. देयरफॉर 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d. तो ये d क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 5 0.8, दैट इज 10.8. ओके चलो लेट मी चेक 8 नंबर. n इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14. अब ढूंढना है वापस. ए एन इज इक्वल टू 4 दिया है. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. लेकिन यहाँ पे तो 4 दिया है. डी हमको ए देन ढूंढना है. तो ए प्लस और एन माइनस 1 2 हो जाएगा. यहाँ चला जाएगा तो ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6. इक्वेशन 1 रखते हैं. वैसे ही अगर हम एस डी फाइंड करते हैं, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 d. So this will give minus 14 into 2 n, 2a हमारे पास है, plus n minus 1 2 लिखना पड़ेगा, right? Okay. So this will give minus 28 n 2a plus 2n minus 2, that is 2a minus 2, minus 28 is equal to n a plus a 2n minus 2. तो ये क्या हो जाएगा? a plus 2n क्या आया था हमारा? a plus 2n हमारा आया था 6. तो minus 28 n a plus 6 minus 2, बराबर, that is 6 minus 2n. therefore यहाँ पे लिखे a is equal to 6 minus 2n. इसका वैल्यू डाल देते हैं. तो minus 28 a is equal to 6 minus 2n into n plus 4n. this will give minus 28 6n minus 2n square प्लस 4n, दैट इज 2n स्क्वायर. बाहर लेके आ जाओ. माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लो. n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0. तो n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0. तो n इज इक्वल टू प्लस 7, n इज इक्वल टू माइनस 2. n cannot be negative. Okay, therefore n is equal to 7. अब क्या करना है? a ढूंढना है. अब a का वैल्यू तो मिल जाएगा हमको.
Now, A is equal to 6 minus 2n. Therefore, A is equal to 6 minus 2, 7. A is equal to 6 minus 14. Kita ho jayega? Minus 8. Okay. A is equal to minus 8, n is equal to 7. This is our answer. Okay, students, ninth number. A is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192. Chalo, dekh lete hain, sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 d. So, s8 is equal to 192, 8 upon 2, 2, 3, plus 7, six plus seven. Six plus seven. 48 minus 6. 70. 42 is equal to 70. D is equal to 6. Okay, so this way we have found D. Now, वैसे ही यहाँ पे L दिया है, L दिया है तो A की फॉर्मूला है, that is Sn is equal to n by 2 A plus n, बराबर। अब Sn 144 दिया है, जानबूझ के n का उन लोगों ने अलग दिया है, that is n by 2, ये हमें ढूंढना है और L हमको दिया हुआ है, right? चलो 144 into 2 upon 9 is equal to A plus 28 16 into 2 is equal to A plus 28. That is 32 minus 28 is equal to A. So A is equal to 4. Okay. So this way we have finished question number 3. I hope you got it. So this video mein hum question number 1 ke, question number 2 ke sare sums aur question number 3 ke sare sums kar rahe hain. Phir ye kya hai? Isme total 20 sums hain. तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हमने सोचा कि 3 क्वेश्चन तक इनफ रखते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है. ओके, चलो, इनफ फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, बाय, कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना. शेयर इतना करो कि सारे बच्चों को ये पहुंचे, सो दैट उनको भी इस तरह के मेथड पता चले. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.